मॉर्निंग एवरीवन, कालप्पा कर रहे सी चैप्टर नंबर 6 दलेरी। ठीक है, रीड पूरा हो गया सी, शॉर्ट क्वेश्चंस तुसी कर ले सी, 10 कर ले सी अपनी फेयर कॉपी ते। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दी असाइनमेंट मैं थानू सेंड कर दवांगी, एक दो दिन आज कर दवांगी। ओके, ओनू फेयर कॉपी ते लिखना है लिख लियो, दैट्स योर विश, और तुसी बुक उत्ते ही मार्क करना है तां बुक उत्ते ही मार्क कर लियो। ठीक है, तो अज आपां लोंग क्वेश्चन आंसर्स करांगे। ठीक, कल जिहड़ा पढ़िया है मैनू मैम, हां जी मैम, कल जो आपने 10 क्वेश्चन कराए थे उसका 9th और 10th का क्वेश्चन था, मेरा मिस हो गया था वो। ओके बेटा, हुन मैं बोर्ड ते लिखे हुए सी, प्रगति तुसी लिखे हुए है 9th और 10th क्वेश्चन, बोलोगे तुसी एक बारी? ओके यस प्रगति। मैम, 9th क्वेश्चन था, बलजीत नु औरत ने कितने पैसे देने चाहे? लिख लो मनस्वी, बाकी भी अगर किसी का छूट गया हो तो बेटा लिख लो कि बलजीत नु औरत ने कितने पैसे देने चाहे। कितने पैसे सी प्रगति? 500। ठीक है, नेक्स्ट। मैम, उससे अगला क्वेश्चन था, बलजीत पीड़ दी की बनी हुई सी? बलजीत पीड़ दी की बनी हुई सी? की बनी हुई सी? केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके मनस्वी, ठीक है। तो हुन मैनू एदा सार कौन सुनाएगा? पूरी दी पूरी स्टोरी असी कल पढ़ी, कौन सुनाएगा? उस तो बाद असी क्वेश्चन आंसर्स ते चलिए, क्वेश्चन आंसर्स भी तुसी ही बोलने ने। ठीक है, चलिए ताकि मेनू पता लगे कि तुसी कीता होया की कीता होया। ठीक है, एनीवन, कल स्टोरी पढ़ी है बेटा, बहुत इजी सी स्टोरी, कोई नहीं बोलेगा? काफी सारे बच्चे ने थे। ओके कृतिका, यस कृतिका, कृतिका, यस मैम। मैम, ए चैप्टर 6 विच बलजीत दी कुड़ी दी गल कीती गई है जो बहुत सियाणी कुड़ी हुंदी है, ओ 10वीं जमात विच पढ़दी हुंदी है, उस दा एक भरा वी हुंदा है जो 12वीं जमात विच पढ़दा हुंदा है। बलजीत नूं तैराकी दा शौक हुंदा है अते एकम नूं फुटबॉल दा, दोन्यां नूं इह खेडां बहुत पसंद हुंदियां हन अते उहनां दा घर खेड स्टेडियम पटियाले दे नेड़े ही सी। पटियाले दे हर स्कूल दे विद्यार्थियां नूं तैराकी दे मुकाबले हुंदे हन, उहनां मुकाबलिआं विच बलजीत कदे दूजे नंबर ते आंदी अते कदी पहले नंबर ते। उस दा पढ़न वाला कमरा मैडलां ते शीलां नाल भरिया होया सी। एकम नूं वी जी करदा सी कि ओह कदी खेडां विचों इनाम प्राप्त करे। स्कूलां दीआं गर्मियां दी छुट्टियां विच फैसला कीता गया कि विद्यार्थियां नूं चंडीगढ़ दे टूर ले जाया जावेगा। अध्यापिका वीना भैन जी अते श्री मदन लाल जी ने नाल जाना सी। विद्यार्थियां नूं अपने हिस्से दे रुपए इकट्ठे कर ले अते ओह अते मदन जी ने एक मिनी बस किराए ते लै लई। एकम ने घर जाके अपनी मम्मी नूं इस टूर बारे दस्या अते बलजीत भी खुश हो गई अते कहन लगी कि मैं भी टूर ते जावांगी। उन्हां दोनों विच सलाह हो गई अते बलजीत ने अपनी सहेलियां मिनी मनी हनी अते राणी नूं भी नाल ले जाण लई सोचिया। दोनों विच सहमति होण तों बाद टूर वाले दिन ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ
शाम होण लगी तां सुखना झील ते ओ पहुंच गए अते घूमन फिरन दी सारियां जगावां देखण तो बाद ओ रेस्टोरेंट खाना खाण वास्ते पहुंचे अते अचानक ही एक औरत दी आवाज आई कि उसदा बच्चा पानी विच डुब रहा सी अते रोला पै गया कि किसी नूं जे तैराकी आंदी है तां ओ उस बच्चे दी जान बचाए। बलजीत ने तेजी नाल पीड़ वल वधी अते उसने गल समझण विच देर नहीं कीती अते उसने चढ़ झील विच छाल मार दिती। झील दा पानी साफ ही सी पर बच्चे दे मूंह विच पानी पै रहा सी। बचा लई बच्चा हाथ पैर मार रहा सी पर तैराकी ना आन कारण ओ कुछ नहीं कर पा रहा सी। बलजीत ने उसदी कमीज पकड़ी अते बच्चे नूं बाहर लियांदे होए ओ बड़े औखे औखे नाल साह लै रहा सी अते ओ बेहोश हो चुका सी। बच्चे नूं रेस्टोरेंट वालियां सजावट दियां रखियां होईयां चीजां उत्ते लटाया गया अते जद बच्चे दा होश खुलिया तां उस दे मूंह विचों इक ही गल निकली, मम्मी। बच्चे दी आवाज सुन के मम्मी बहुत खुश होई अते सारियां दे चेहरियां उत्ते एकदम खुशी दी लहर छा गई। बच्चे दी मम्मी ने पर्स विचों बलजीत नूं 500 रुपए दिते पर बलजीत ने इनकार होंदे होए कहा कि ओ तां उसदा फर्ज सीगा अते अंत अते बलजीत ए सब होण कारण तो बाद पीर दा केंद्र बिंदु बन गई सी अते लोग बलजीत उत्ते बहुत माण कर रहे सी। एकम भी बोलिया कि तू ए बहुत वधिया काम कीता है अते सारे बलजीत दी दलेरी दी प्रशंसा करन लग गए। ठीक है, वेरी गुड, राइट। सो काला पाए वाली स्टोरी पढ़ी सी, ठीक है। कृतिका ने पूरी थानू स्टोरी दस दी। ओके, सो अज आपां बेटा करने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपां कर चुके हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बलजीत ते एकम नूं केड़ी केड़ी खेड दा शौक सी? सिर्फ कृतिका हैंड रेस नहीं, मतलब ओ भी कर सकेगी, पर बाकी बच्चे भी हैंड रेस करो, बिकॉज देखो छोटी जी स्टोरी है, कल पढ़ी, अज कृतिका ने पूरी तरह नाल एक्सप्लेन कर दिती, ठीक है। मैं तुहानूं पहला भी कहा है, पार्टिसिपेशन करो बेटा। बस दो तीन बच्चे मनस्वी कृतिका यही आंसर दे रहे ने, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहे। प्रगति आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? तुहानूं सारे आंसर आंदे ने, ठीक है, पार्टिसिपेट करो। क्लास विच भी तो करदे सी तुसी, हुण भी तो तुहाडी क्लास ही है इक तरह नाल, ओके। तो पार्टिसिपेट करो, जिन्ना तुसी करोगे उन्ने ही तुहाडे, अगर तुहानूं एक्स्ट्रा लाइन आंदी है तो तुसी वो भी अपनी सही करवा सकते हो, ठीक है। यस मनस्वी, फर्स्ट क्वेश्चन। बलजीत ने अते एकम नूं केहड़े केहड़े खेड़ दा शौक सी? बलजीत नूं तैराकी दा शौक सी अते एकम नूं फुटबॉल दा शौक सी। पटियाले विच हर साल स्कूलां दे विद्यार्थियां दे तैराकी दे मुकाबले हुंदे, उन्हां विचों बलजीत कदे पहले नंबर ते आउंदी है ते कदे दूजे नंबर ते। उस दा कमरा मैडलां अते शील्डां नाल भरिया पिया सी। एकम दा वी जी करदा सी कि ओह खेडां विच इनाम प्राप्त करे। वेरी गुड, यस। जगजोत। बलजीत नूं तैराकी दा शौक सी ते एकम नूं फुटबॉल दा शौक सी। इन्ना नहीं लिखना बेटा, ठीक है, होर भी बोलो। यस कृतिका, कृतिका, ओके, ठीक है। सो सिर्फ तुसी इहदे विच इही नहीं लिखना कि ओनू फुटबॉल दा शौक सी ते ओनू तैराकी दा शौक सी, ठीक है। तैराकी ना लिखियो, पंजाबी विच स्पेलिंग सही लिखियो, तैराकी ते फुटबॉल। तैराकी दा शौक सी बलजीत नूं, शॉर्ट क्वेश्चन च भी आ सकता है, ते ए केहदा सी? एकम दा शौक, ठीक है। बस तुसी इन्ना ही नहीं लिखना, उस तो इलावा जिस तरह मनस्वी ने इलैबोरेट किया है कि कित्थे उन्हां दा घर कित्थे सीगा, पटियाला दे नेड़े खेड, पटियाला जिथे कि खेड स्टेडियम सी उत्थे सी। फिर तुसी ये लिख सकते हो कि बलजीत किद्दां पार्टिसिपेट करदी सी, किन्ने नंबर ते आंदी सी, कदी पहले नंबर ते आंदी सी, कदी दूसरे नंबर ते आंदी सी, उन्हें काफी सारे मैडल्स जितते हुए सन, ठीक है, राइट। ये प्रॉपर लिखना है तुसी क्वेश्चन, घट्टो घट थोड़ा 4-5 लाइनां दा क्वेश्चन बनना चाहिदा है।
एक लाइन च लिखोगे तो वो आंसर थोड़ा करेक्ट नहीं होएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, चंडीगढ़ जाने तो पहला बच्चे रस्ते विच किथे गए ते ओना ने की देखा? सोमिल मैम यस, बलजीत चंडीगढ़ जाने लई बहुत उत्सुक सी, सोमवार दा दिन सी, सब तो पहला छतबीड़ चिड़ियाघर देखन दा प्रोग्राम बनाया गया सी, जो चंडीगढ़ जाने तो पहला रस्ते विच आउंदा सी। चिड़ियाघर काफी वड्डा सी, उस नू वेखदियां वेखदियां 2-2.5 घंटे लग गए सन। उत्थे उन्हां ने कई जानवर ते पंछी विद्यार्थियों ने पहली बार वेखे सन। श्री मदन लाल अध्यापक जी ने कई जानवरों बारे उन्हां नू जानकारी दित्ती। बच्चे बड़े खुश हो रहे सन। वेरी गुड आंसर, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर, स्टार्टिंग भी अच्छी थी फॉर्मल दी, गुड। यस कृतिका, सेम आंसर। सारे बच्चे गर्मियों के टूर विच चंडीगढ़ गए सी। अध्यापकां वीना भैन जी ते मदन लाल जी नाल ए टूर जाना सी। ओह बच्चे मिनी बस ते जा रहे सन। सोमवार दा दिन सी। सारे बच्चे अते बलजीत बहुत खुश सी। सवेरे सवेरे विद्यार्थी मिनी बस चंडीगढ़ लई रवाना हो गए। सब तो पहला उन्होंने छतबीड़ चिड़ियाघर देखा अते उस विच चिड़ियाघर काफी वड्डा सी। उस नू वेखदिया वेखदिया 2-2.5 घंटे लग गए। कई जानवर ते पंछी किसी भी विद्यार्थी ने नहीं देखे सन अते ओह देख के खुश होए अते श्री मदन लाल अध्यापक जी ने कई जानवर बारे जानकारी भी दित्ती अते बच्चे बड़े ही खुश हो रहे सन। ठीक है, गुड, राइट। सो आंसर सेम दोनों दा, एक दो लाइना आगे पीछे हो गई, ठीक है। तो तुसी सिर्फ इन्ना ही नहीं लिखना बेटा कि वह छतबीड़ चिड़ियाघर गए ते उत्थे उन्होंने जानवर देखे, नो, इलैबोरेट करो जिस तरह सौमिल ने किया, जिस तरह कृतिका ने किया। एक देखो तुसी की करते हो, चिड़ियाघर जो लिखते हो ना तुसी ना सिहारे पा देंगे मोस्टली, ऐदा नहीं लिखना, दिस इज रोंग, ठीक है। चिड़िया एक तो चिड़िया बन गया तो चिड़िया तो बढ़िया ही नहीं, ठीक है ना, सिहारे की टोन आ रही है। सो तुसी इनू सही करके लिखो चिड़ियाघर, उपर बिंदी नहीं पानी क्योंकि वह तो चिड़िया बन गया है ना, स्पैरोज बन गया, चिड़ियाघर, ठीक है। छतबीड़ का चिड़ियाघर देखा सी उन्होंने। सब तो पहला तुसी इनू लिखोगे किदा, स्टार्टिंग जिस तरह सौमिल ने कहा कि वह बहुत ज्यादा उत्सुक सी। उत्सुक ही हुंदा एक्साइटेड, उत्सुक लिख सकते हो तुसी, ठीक है। पहला तुसी लिखोगे कि किदा उन्हां दा टूर दा प्लान बनिया। एकम दे स्कूल वालिया ने लैके जाना सीगा ते बलजीत भी जाने लई तैयार सी, अपनियां सहेलियां नाल गई ते उन्होंने पहला वह इत्थे गए छतबीड़ चिड़ियाघर गए। उत्थे उन्होंने काफी तरह के जानवर देखे, इदा के जानवर देखे जो उन्होंने पहला नहीं सी देखे। वह खुश भी सन ते हैरान भी। कल आपां डिस्कस किया सी ना कि जो तुसी किसी चीज़ को पहली बार देखते हो नैचुरली तुसी खुश भी होंगे हो तो हैरान भी होंगे कि दुनिया से इन्ने इन्ने सारे इन्ने तरह तरह की वैरायटी है, ठीक है, इन्ने अलग अलग तरह के जानवर ने, क्लियर है। उस तो बाद फिर मदन लाल जिहड़े उन्होंने अध्यापक सन उन्होंने होर भी ज्यादा जानकारी दी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कल नहीं ना किया, वह भी एक तुसी लिख सकते हो कि टीचर का नाम सी वीना ते जिहड़े मेल टीचर सी उन्हां दा नाम सी मदन लाल, ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, विद्यार्थियों ने चंडीगढ़ विच केड़ियां केड़ियां थावां देखियां? विद्यार्थियों ने चंडीगढ़ विच केड़ियां केड़ियां थावां देखियां? मनस्वी, चिड़ियाघर वेखन तो बाद फिर सारे जाने अद कु घंटे विच चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ विच उन्होंने रॉक गार्डन, रोज गार्डन, पंजाब यूनिवर्सिटी, अजायब घर अते होर कोई अते होर कई होर महत्वपूर्ण थावां देखियां। उन्हां विचों कई बच्चे पहली बार चंडीगढ़ आए सन। सोहना शहर वेख के उन्हां नूं खुशी पर हैरान हो रही सी। अध्यापकां ने उन्हां नूं दस्या कि चंडीगढ़ भारत दा अजिहा शहर है जिहड़ा बड़ी सुचजी योजना नाल उसारिया गया है। प्रसिद्ध फ्रांसीस आर्किटेक्ट
ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਜਗਜੋਤ, ਸੇਮ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਜੀਬ ਘਰ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੱਤਬੀੜ ਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ GNDU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਨਸਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ, ਫੋਰਥ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੋਮਿਲ, ਮੈਮ? ਯੈਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦ ਚੰਡੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਜਯੰਤ ਖਜੂਰੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਯੰਤ ਖਜੂਰੀਆ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ।
बलजीत ने झील विच डुबदे बच्चे नू किवें बचाया? बलजीत ने झील विच डुबदे बच्चे नू किवें बचाया? जयंत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बिकॉज ये बच्चे क्लास में आंसर देंदे सी, हुन कर रहे कि बच्चे थोड़े दो साल तो तुसी घर रह रहे हो, फिर घर जो तुसी स्कूल आए तो तुसी आंसर देन दे विच थोड़ा जा हेजिटेट फील करोगे, ठीक है, इसलिए अपने आंसर्स दो। जयान, बलजीत बहुत दलेर कुड़ी सी, बलजीत नू तैराकी बहुत वधिया आंदी सी, उसने अपने स्कूल दे प्रतियोगिता विच कई सारे मेडल भी जीते। जदो वो चंडीगढ़ घूमन गए ते सुखना लेक विच एक बच्चा डूब रहा सी, जदो बलजीत नू इस बारे पता लगा ता उसने बहुत दलेरी नाल अपनी जान दी परवाह ना करदे हुए उस बच्चे दी जान बचा ली। ठीक है, गुड, देखो आंसर आंदा है। जिस बच्चे दी जान बचाई उसकी माता जी ने उसनु 500 रुपए दा इनाम भी देना चाहिया पर बलजीत ने मना कर दिता। उस घटना तो बाद वो सुखना लेक ते केंद्र बिंदु बन गई सी। वेरी गुड, ठीक है, आंसर दो बच्चे। और कोई विलिंगली हैंड रेस करो, विलिंगली, नहीं तो मैं अनम्यूट करवा लेना थानू। Willingly, Kritika, Somil, तब अच्छे कर दे कर देने। प्रगति, आंसर दो जरा। प्रगति ग्रोवर, बलजीत बहुत ही दलेर कुड़ी सी, उसनु तराकी दा बहुत चौंग सी, ओह सारे चंडीगढ़ घूमन गए सन, अते उस तो बाद वो सुखना ले घूमन गए। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਯੰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਓਕੇ, ਯੈਸ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ। ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੈਸੇ ਮੈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚੀਖ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਸੋਮਿਲ ਮੈਮ, ਯੈਸ, ਬਲਜੀਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਘਾਬਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਮਨਸਵੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਸਵੀ, ਅਮਰਜੋਤ,
अमरजोत अनम्यूट योरसेल्फ। अमरजोत सिंह। यस मैम। हाँ जी सेम क्वेश्चन बेटा। मैम बलजीत एक बहुत नेक कुड़ी सी, ओ उसने अपनी जान दी ना परवाह करते हुए बच्चे दी जान बचान लई झील विच कूद गई। उसने बड़ी दलेरी नाल बच्चे जान बचाई ते बच्चे दी आवाज सुन के मां ने अपनी अपने पर्स विचों 500 रुपए कट गए उसनु दिते पर उसने मना कर दिता और उन्हें उस तो बाद उत्थे दे सारे लोका ने उन्हें केंद्र बिंदु बना बनी हुई सी उत्थे दी केंद्र बिंदु बन। ठीक है गुड। प्रगति मैम बाकी सारा आंसर सेम होगा, हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चे नु होश आया तो माँ दे साह विच साह आया। लिख सकते हो तुसी कर सकते हो कि माँ बहुत ज्यादा खुश हुई। ठीक है कर सकते हो राइट। सो आंसर ठीक है दोनों दा। सौमिल एक्स्ट्रा लाइन है कोई थोड़े को? नो कृतिका कोल है। ओके कृतिका हां जी। बलजीत एक बहुत ही दलेर कुड़ी सी, उसनु तैराकी दा शौंक सी पर उसने तैराकी दा प्रयोग करके इस बच्चे दी जान बचाई अते सारेयां नु एह संदेश दिता कि जो भी असीं सिखदे हां उसनु प्रयोग करना भी आना चाहिदा है। बलजीत ने अपनी अपनी जान दी बिल्कुल भी ना परवाह करदे होए सिर्फ उस बच्चे दी चीख सुनी अते ओहने अचानक नाल ही चील अंदर छाल मार दित्ती अते उस बच्चे नु बचाउण लई सोचिया। वेरी गुड। सी कृतिका ने कहा जो असीं सिखदे हां उसका प्रयोग भी करना चाहिदा, मतलब जो आपां सिखदे हां उहनूं आपां अप्लाई भी तां करना ना। तो तुसीं पांच छे बच्चे रोज यही चीजां नूं अप्लाई करदे ने, सिखदे की ने लैसन सिखदे ने, अप्लाई किदां करदे ने क्वेश्चन दे आंसर दिंदे ने। ठीक है सो इस तरह ही क्वेश्चन दे आंसर दो, नहीं तां जिहड़ा तुहाडा टैलेंट हुंदा ना उहनूं तुसीं किते भी अप्लाई नहीं करदे तो उह छुपिया ही रहिंदा है। ठीक है तो अपना टैलेंट बाहर कढ़ो, बोलना भी एक कला है, समझ गए ना। जो अपनी विचारां नूं या अपने जो भी व्यूज हुंदे ने उहनां नूं अगे किसे अगे प्रेजेंट करना एक तुहाडा कॉन्फिडेंस वधांदा है। ठीक है टीचर तां इंप्रेस हुंदा ही हुंदा है, सिक्की लई तुहानूं अपनी गल कहणी आ जांदी है किसे दे नाल भी। ठीक है इसलिए चुप ना रहा करो, पार्टिसिपेट करिया करो। ठीक है सो गुड। आखिर विच एकम ने लास्ट क्वेश्चन, आखिर विच एकम ने बलजीत नूं की कहा? सौमिल। मैम यस, बलजीत एक बहुत दलेर कुड़ी सी जिसने पानी विच डुबदे एक बच्चे दी जान बचाई सी अपनी जान दी परवाह ना करते होया। बलजीत दी हिम्मती दी सारे दा दे रहे सन, बलजीत भीड़ दा केंद्र बिंदु बनी हुई सी, सारे लोग उस नूं बड़े मान नाल तक रहे सन। इस विच उस दा भरा एकम बोलिया कि जो काम ओह मुंडे नहीं कर सके ओह काम उस दी पैर ने कर विखाया। सारे बलजीत दी दलेरी दी प्रशंसा कर रहे सन, बलजीत बहुत दलेर ते हिम्मती कुड़ी सी। ठीक है गुड। कृतिका वीरन दी टर्न आने वाली है, वीरन बी रेडी। कृतिका बलजीत ने अपनी जान दी बिल्कुल ना परवाह करते हुए उस बच्चे दी जान बचाने बारे सोचिया, इस चीज तो बाद ओ भीड़ दा केंद्र बिंदु बन चुकी सी अते सारे उसनु मान लाल तक रहे सन। उस दे भरा एकम ने यह बोलिया कि जो काम असी मुंडे नहीं कर पाए ओ तू कर विखाया पहन, तू कर विखाया। इस चीज तो बाद यह चीज एकम नु एकम ने इस लई कही क्योंकि किन्ने सारे लोग रेस्टोरेंट विच सिगे पर सिर्फ बलजीत ने ही अपनी जान दी ना परवाह करते हुए झील विच डुबकी मार के उस बच्चे दी जान बचाना चाही अते सारे लोग उस नूं मान नाल तक रहे सन क्योंकि बलजीत ने उन्हां सारे लोकां विच भी जान पा दित्ती सी अते हिम्मत पा दित्ती सी कि जद भी कोई मदद विच होवे तां उह जद भी किसी दी मदद करनी चाहे तां उस दी मदद कर लैणी चाहीदी है। ठीक है गुड। हां जी विरन अनम्यूट योरसेल्फ। विरन
Yes, ma'am. Main question last. After which Ekam ne Baljeet nu ki keha? आखर विच एकम ने बलजीत नूं इह कहा कि तू ए काम कर विखाया जिहड़े मुंडे वी कर ना सके। पर आपां इलैबोरेट करना उसने इह इसलिए कहा क्योंकि भीड़ विचों सिर्फ उसने ही दिलेरी दिखाई कि ओ बच्चे दी जान बचा सके। ठीक है ओके के आखर विच एकम ने बलजीत नूं की कहा बलजीत क्योंकि तैरना जानदी सी बहुत बहादुर सी ठीक है ते उसने एक 3 साल दे बच्चे दी जान बचाई सी अपनी जान दी परवाह ना कीते हुए ते सारे लोकां लई ओह एक भीड़ दा केंद्र बिंदु बनी हुई सी ते ओह बहुत ज्यादा सब उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे सन ते ओहदे भरा ने भी ओदी प्रशंसा करते हुए की कहा सीगा कि जो काम आपा मुंडे नहीं कर सकते ओ तू एक कुड़ी करके दिखाया। ठीक है ऐसा तुसी अपना आंसर लिखोगे। क्लियर है 6 क्वेश्चन ने बेटा बहुत इजी है 3-4 बच्चों ने भी बोले ने। ठीक है बाद विच मैं भी थोड़ा डिस्कस किया है किसी नु कोई डाउट होवे किसी क्वेश्चन विच ता पूछ लो। और अज का तुहाडा होमवर्क भी यही होएगा कि तुसी क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर कॉपी ते करने हैं। ठीक है किसी का कोई डाउट होए 6 क्वेश्चंस ने एक बार देख लो किसी ने कुछ ना समझ लगो हो तो मैंने पूछ लो। हाँ जी जयंत मैम सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक बार समझा दो। बच्चे दी मम्मी ने बलजीत दा धन्नवाद किवें करना चाहिए देखो इहदे विच तुसीं लिखना है कि बलजीत ने जो बच्चे दी जान बचाई ते मतलब उसनू अपनी जान की परवाह ना किते बिना ही ओह बाहर लैके आई। ठीक है ते ओ बच्चे दी मम्मी ने उसनू अपने पर्स विचों दी 500 रुपए देने चाहे क्योंकि उसने उसके बच्चे दी जान बचाई सी पर बलजीत ने पैसे लैन तो इनकार कर दिता ते उन्हें कहा कि मैं तुहाडे ते कोई एहसान नहीं किता बल्कि ये ता मेरा फर्ज सी। ठीक जयंत ओके रिधम रिधम ने आज कोई आंसर नहीं दिता। रिधम हां जी बोलो। मैम आपने कल की असाइनमेंट भेजी मतलब आपने बोला था 40 सम्स की असाइनमेंट होगी मैं पेज ठीक है शॉर्ट क्वेश्चंस ही असाइनमेंट में सेंड कराऊंगी डोंट वरी। यस सोमिल सोमिल मैम यस मैम मुझे एक वर्ड में डाउट है मैम ये पेज नंबर 22 पे ये तकदी उछालदी का मीनिंग क्या हुआ इस वाले चैप्टर में बच्चे नु तकदी उछालदी जदों पानी दे विच जा चुकी सी ना बच्चे नु ना अग्गे अग्गे करदी जा रही सी मतलब सेफ साइड करदी जा रही सी कदी उनो पानी विचों बाहर कढ़ क्योंकि जदों पानी विच स्विमिंग नहीं आंदी तां बंदा जड़ा है वो डुबकी लगांदा रहिंदा पानी विच ही जांदा रहिंदा बच्चे नु उपर नु उछालदी सीगी क्योंकि वो स्विमिंग कर रही सी उन स्विमिंग तुहानू पता ही इदां करदे आ पानी दे विच जाना पैंदा है इसलिए बच्चे नु बाहर कढ़दी कढ़दी उनू उछालदी थोड़ा जिहा बाहर लैके आंदी फिर उनू तकदी। ओके सोमिल ओके मैम ओके ओके यस प्रगति मैम क्वेश्चन 3 रिपीट कर दो। विद्यार्थियों ने चंडीगढ़ च केड़ियां-केड़ियां थावां देखियां तुसी कह सकते हो कि रॉक गार्डन रोज गार्डन अजायब घर पंजाब यूनिवर्सिटी देखिया ते ओ बहुत ज्यादा खुश सीगे बहुत ज्यादा हैरान सी क्योंकि उन्होंने पहली बार ये है देखा सी। इस तो पहला तुसी ये भी लिख सकते हो कि एकम दे स्कूल दे विच विद्यक टूर बनाया गया। ठीक है सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश सन क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ जाना सी फिर तुसी उन्हां दी चीजां दे नाम लिख सकते हो थावां दे नाम। ओके प्रगति यस मैम ओके राइट क्वेश्चन आंसर्स क्लियर है। कल बेटा आपां ग्रामर दा सोमिल ने कुछ होर पूछना सोमिल तुहाडा कोई होर डाउट है ओके ठीक है कल आपां ग्रामर पोर्शन करांगे सो अपनी तुसी ग्रामर दी नोटबुक अपनी कोल रखनी है। ठीक है आपां विश्राम चिन्ह करांगे बहुत ज्यादा इजी है राइट उदियां टाइप्स करांगे डेफिनेशंस करांगे। ठीक है